मॉर्निंग गाइस, रात को ना लेट डिनर करके सोया ना, तो ना खाना अच्छे से डाइजेस्ट हुआ सुबह तक उठते उठते, ना ही नींद पूरा हुआ एक्चुअली। और वेदर इतना अच्छा है कि सुबह उठने का मन भी नहीं कर रहा था, पर क्या कर रहा है, अटेंडेंस का सीन होता है ना सुबह 8 बजे। 8 बजे तो होता नहीं एक्चुअली अटेंडेंस, वही होता है 8:20 के आसपास, बट 8 बजे तक हॉस्पिटल में होना चाहिए ऐसा सीन है। ओहो, तो फटाफट ब्रेकफास्ट में रेडी होता है हमेशा, बात को हमेशा बना ही लेता हूँ मैं, तो फटाफट ब्रेकफास्ट में ऐड करते हैं। और ऐसा सीन है कि मेरा ड्राई फ्रूट सारा खत्म हो गया, मुश्किल से एक दो बचा होगा अंजीर वगैरह, बाकी रिमेनिंग जितना भी था सब खत्म हो गया। अब वो दीमार से वो भी लाना पड़ेगा, टाइम मिलेगा तो मिलेगा, तो वाली कोई बात नहीं है, टाइम निकाल के जाना पड़ेगा लाने के लिए एक्चुअली। तो फटाफट फिलहाल जो है थोड़ा बहुत वो सब ऐड कर लेते हैं, और खाना पहले ब्रेकफास्ट कंज्यूम करता है। जब तक मैं सुबह टाइम पे अच्छे से उठाऊँ, ड्यूटी निकलने के लिए लगता है ना, सुबह उठूंगा तो फिर टाइम मिलेगा इनफ टाइम काम वाम करने के लिए। उस टाइम तक मेरा फोन में चार्ज था नहीं, रात को मेरे फोन को इसने पूरा फुल चार्ज करके साइड में रख दिया था मेरे लिए। पता नहीं क्या ही बोलूँ मैं इसको, बताओ क्या ही बोलूँ। सब रेडी होते पहले, अभी 8 बज के ऑलरेडी ओवर हो गया, तो मैं निकल रहा हूँ अटेंडेंस डालने के लिए। थोड़ा नींद नींद आ रहा था, फिर ऐसा दिल कर रहा है कि 2 दिन से बंक मार रहा हूँ ड्यूटी कंटिन्यूसली, तो थोड़ा मन कर रहा है कि आज भी बंक मार के आ ही जाता हूँ। तो मैं उधर जाके प्लान करूंगा, फिलहाल निकलते हैं यहाँ से और जाकर देखते हो तो कैसा माहौल बनता है और क्या सीन बनता है वहाँ पे, उसके अनुसार फिर देखिए करना है एक्चुअली। और बाहर देख सीटी मार रखा है पूरा वाला, तो पूरा एक प्लास्टिक का दे दूँ ठीक ना, हमें रात को पूरा ऐसे फेंका था, लेकिन थोड़ा सा पूरा बचा है, अगर मिल जाएगा तो बिल्कुल उसको भी फेंक देंगे ना, मौका मिलते ही। इधर आने गेट बंद कर ले, देख लियो पूरा है तो पूरा दे दूँ ठीक ना चिंटू। देखा तो रूम आ गया, मौत थोड़ा सा ऐसा था कि मौका नहीं बन रहा था आने के लिए, फिर भी सर मिला एक अच्छा वाला, उनके साथ सीटिंग करके आ गया। और आज के वार्ड का ब्रदर भी, दो ब्रदर था, दोनों ब्रदर एक्चुअली अच्छा था। एक ब्रदर ने देख के मेरे हैंड शेक करा सामने से आके, मैं बोला चल ठीक है, लेकिन क्या करो वही मतलब थोड़ा मन भी था नहीं, था नींद भी पूरा हुआ नहीं, तो सीढ़ी पे आ गए। अब देखते हैं 9 बज रहा है इस टाइम पे, देखते हैं क्या सीन है उसका आगे का। पहले ड्रेस वेस चेंज करते और पानी पी के मैं गया, ब्रेकफास्ट करते निकल गया था ना, तो पानी पीने का मौका मिला नहीं, पहले पानी पीते कपड़ा वपड़ा चेंज करते। क्या ही बोल दूँ मैं इसको भी। अभी 10:30 हो रहा है, मैं निकलो पानी लाने के लिए एक्चुअली, तो पानी वानी लेके आते बाहर, सुनो बोतल ले लो सर। तो अभी ले आएंगे भाई, तो ऑब्वियसली एक अच्छा सा होता ना, पूरा दिन में टाइम टाइम रह पाएगा। मैंने लिया पानी निकालते बाहर से, ये रहा 2 गैलन हमारा मोटा सा, 3 है एक्चुअली। चल चिंटू राजा, पता नहीं इस टाइम खुला होगा नहीं खुला होगा, वो भी एक चांस है, खुल जाना चाहिए। आजा खुला हो तो अच्छी बात है, पानी वानी लेके आ जाइए। चल इसको इतना तो आ गया, अब इसको थोड़ा सा आ जाता है स्कूटी थोड़ा सा, और इसको हाँ साफ करना करवाना है बस। निकल निकल निकल, अरे लड़का ऑर्डर दे रहा मेरे को, गेट खोलो ना बोल। आजा कर स्टार्ट कर, खुशी दे, बस 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 छोड़ छोड़ छोड़। 10 मिनट पहले एक्चुअली आ गया था, तो आने के बाद में वेट कर रहा था, पता है किस चीज का, पता नहीं क्या है, शायद नूडल्स है, चिकन है इसमें, पता नहीं क्या का, बहुत सारा चीज है इसमें एक्चुअली। ओ हक्का नूडल्स है जिसमें चिकन विकन बहुत लोडेड डाल रखा है, इसमें पानी डाल रखा है, और इसको मैं खाऊंगा, मैं ही नहीं मतलब इसको हम खाएंगे। इसको हम खाएंगे अभी हम, और पहले मैं ये सब नहीं खाता था, मैं खाने का रीजन एक ही है बल्क कर रहा हूँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से, मैं फटाफट खाऊंगा इसको भी, खाएंगे और शायद डिमांड जाएंगे, क्योंकि घर वाले ने पैसा भेजा मेरे को, और किचन में बहुत सारा सामान कम है किचन में एक्चुअली, तो डिमांड जाएंगे, फिर इसको खाते हैं फिर सोचते डिमांड जाने के लिए। पता नहीं मैं टेस्ट कर रहा था, बहुत तगड़ा आ रहा था उस टाइम टेस्ट में, अब खा कर देखता और ज्यादा मजा आएगा मुझे जहां तक पता है। दिस इज फॉर यू बडी। खाने के बाद नींद तो बहुत तगड़ा आ रहा, पर अभी सो जाऊंगा तो फिर वही ही डाइजेस्ट होगा नहीं, और उठ के फिर मैं जाऊंगा ड्यूटी पे अगर अटेंडेंस के लिए 2 बजे के आसपास, तो लंच करके जा नहीं पाऊंगा, फिर आके उठा से खा नहीं पाऊंगा, तो अगर सो गया तो फिर दिक्कत होगा डाइजेशन में। भाई इतना गौर से क्यों सुन रहे हैं मेरे को, तो मैं सोऊंगा नहीं, थोड़ा जग जग के रहता हूँ, आगे सो जाऊंगा, मतलब डिनर लंच करूंगा अभी और अटेंडेंस देके फिर आगे सोऊंगा। अभी सोऊंगा तो बहुत तगड़ा दिक्कत हो जाएगा, मेरा खाना भी बन रहा है अभी, तो मैं सोऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा एक्चुअली, तो सोना नहीं है अभी। ये हो
ये अलग ही चमक रहा बाल वाल कटवा के। तो ले फोन लाओ तुम्हारा फोन। मेरा फोन क्या करेगा देखिए। बैगन निकलते यहाँ से और देखते अटेंडेंस का क्या सीन है आज। ऐसा सब कुछ सही जा रहा लेकिन फिर भी देखते आज का क्या सीन है। ड्यूटी के लिए अभी चिंटू खाना खराब बैठ गया तो गेट बंद कर नहीं सकता लेकिन कर लेगा बाद में गेट बंद। तो फिलहाल निकल के जाने देखते क्या चक्कर है आज। अटेंडेंस मिल गया अच्छा वाला। अटेंडेंस देख आ गया रूम में और वैसे दोस्त लोग बोल रहे हैं कि बहन ड्यूटी क्यों नहीं आ रहा है ये वो फलान अपना मजे में बोल रहा है। ऐसा नहीं कोई सिग्नेचर्स कहीं भी नहीं है बस वजह बोल रहा हूँ। मैं उनकी फीलिंग समझ सकता हूँ। अगर दो पार्टनर है एक भाग जा रहा है या एक नहीं आ रहा है एक एब्सेंट है और दूसरे वाले अकेले पर जा रहा तो फीलिंग समझ सकते हैं इस चीज को कि कैसे फील होगा उस टाइम पे। और ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ कर रहा हूँ ये सब चीज़ मेरा कोई प्लान है ये सब करने का। ये ना एक्सीडेंटली हो जा रहा है मेरे से लाइक कोइंसिडेंटली हो जा रहा है मेरे से। मेरा कुछ प्लान में नहीं है नहीं मैं कुछ सोच करता हूँ हो जाता है क्या करूँ बहन जो अभी फटाफट ड्रेस चेंज करते हैं। और मैं तो लंच करके गया नहीं था तो लंच करेंगे फटाक से अभी ड्रेस चेंज करते फिर लंच पे ध्यान देंगे। चिंटू थोड़ा खाना निकाल देना। चिंटू खाना खा लिया मेरे ज्यादा टाइम चिंटू बैठ के खाना खा रहा था तो उसका तो खाना हो गया। मैं अपना देखता हूँ थोड़ा पहले ड्रेस चेंज करते पहले फिर खाने के बारे में सोचते हैं। चिंटू कहाँ चला गया कहाँ घूम रहे तू अकेले। और ये कपड़ा वही वाला है जो कल हम जिम जाने से पहले कपड़ा डाला था बाहर में बारिश आ गया और ऐसी की तैसी। और आज भी बारिश आने वाला सीन है। अगर मैं दिखाऊं ना बाहर का वेदर बहन चूत हो रखा है बाहर का वेदर। इधर बादल है ऊपर खाली है कैसा ना अजीब सा हो रखा है भैंस के वेदर है चिंटू। और ये पीने के लिए हमेशा रेडी ये बड़ी फटाफट ड्रेस चेंज करते भाई थोड़ा सा टाइट हो रहा ना बिकॉज मैं अपने वेट पे आ गया वापस। जितना वेट मैंने ड्रॉप करा था अपना फीवर और एक दो हफ्ते के बीच में उसी वेट में वापस से घुस गया था। मेरा ड्रेस वापस से टाइट हो गया पहले बीच में ढीला हो गया ड्रेस मेरा अचानक से ढीला हो गया था लाइक फीवर चढ़ा था एक हफ्ते का इंजरी में रेस्ट लिया मैंने तो ड्रेस एकदम से ढीला पड़ गया था बहन चोट अब भी एकदम से टाइट हो गया। इसको आज जिम पे लगाऊंगा मैं आज से जिम पे लगाऊंगा पहले ड्रेस नहीं करता भाई पहले खाना खा क्योंकि एक अच्छा गैप मिलना चाहिए मेरे को खाना लंच और जिम के बीच में। जब खाना खा रहा था ना तो मैं खाना खा के जस्ट भी उठाऊ एक्चुअली तो ये ना किचन में बर्तन सब धो रहा था इतना सारा बर्तन धो के साफ कर दिया तो बस एक ही प्लेट बचा हुआ जिसमें मैं खाना खा रहा था। इसकी एक्चुअली एक हैबिट है ये एक्चुअली पता नहीं अच्छा हैबिट बोल रही पता नहीं कैसा हैबिट बोल रही जब घर में था ऐसे भी करता था पूरा बर्तन धो देगा ये और लास्ट में जो बंदा खाना खा रहा बैठ के उसको तो प्लेट ऑब्वियसली खाना खा रहा है उस टाइम खाने के बाद गंदा होगा तब तक पूरा बर्तन वर्तन धो के क्लीन कर देगा ये फिर वो खा उठेगा फिर बोलेगा अब तुझे बर्तन धोकर रखेगा। मैं बोलूंगा बाद में धो दूंगा नहीं तो पूरा बर्तन धो गंदा लग रहा दिखने में क्योंकि पूरा किचन साफ है तेरा एक प्लेट बेसिन में पड़ा होगा गंदा दिखेगा। हंस रहे है लिटरली हंस रहे है अभी इसने मेरे से भी सेम करा हुआ लाइक मैंने खाक उठाऊ देखा किचन का पूरा बर्तन क्लीन करा है किचन पूरा साफ कर दिया मैंने इसको बोला नहीं था ऐसे खुद के मन से करा इसने कभी कभी खुद के मन से ना सारा काम कुछ भी काम कर लेते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ चल ठीक है अभी बोला नहीं हूँ काम कर लिया। मैं खाना खा रहा बैठ के पूरा बर्तन साफ कर दिया अब एक प्लेट गंदा है जिसमें मैं खाना खा रहा था मेरे को आके चढ़ के बोल रहे एकदम चढ़ के इसको तो साफ कर किचन गंदा दिखेगा तेरे एक प्लेट से ये मेरे को धुलवाई दिया मैं धो भी दिया एक्चुअली तभी थोड़ा रेस्ट करेंगे और जिम तो इसको कराऊंगा आज से जिम ज्वाइन करेगा इसका जिम आज से लगवाना है मेरे को क्योंकि घर से पैसा आया है तो पैसा थोड़ा जिम में लगा देंगे थोड़ा सामान वाले आएंगे घर का जो खाने पीने का सामान होता है मेरा बहुत सारा सामान भी खत्म हो रखा है एक्चुअली ड्राई फ्रूट्स वगैरह है बहुत सारा खत्म हो रखा है वो ड्राई फ्रूट्स के अंदर ही आता है सब सब तो फिलहाल थोड़ा रेस्ट करते हैं अभी और बाहर थोड़ा थोड़ा धूप पता नहीं कैसा अजीब सा वेदर है आजकल सवेरे और बाहर बादल लगा है थोड़ा सा बारिश आ गया ना फिर से वो गलत सीन हो जाएगा पता है कोई नहीं थोड़ा रेस्ट करते हैं और दो चार कपड़ा डाल रखा हूँ धोने के लिए वो धो लेंगे अभी मतलब रेस्ट करने के बाद और फिर देखते टाइम क्या बचता है हाथों से फिर आज का दिन मैनेज करते हैं। सोया हूँ मैं अभी अभी तो नींद पूरा हुआ नहीं पता है मैं सोया हूँ अभी कब सोया था मैं 3:30 से थोड़ा पहले सो गया था मैं और उठाऊँ अब भी मैंने चिंटू को बोला था मेरे को 4 बजे उठा देना तो इस जेंटी ने मेरे को 4 बजे उठा दिया इसने और अभी भी नींद आ रहा है मेरे को तो लेकिन अभी सो जाऊँ तो पूरा टाइम का ना खराब हो जाएगा ऐसे ऐसे और इस सोए बिना क्या करेंगे पहले थोड़ा सा जिम जाना है ऑब्वियसली केला खाते हैं ब्लैक कॉफी पियेंगे तो अच्छा खासा नींद भाग जाएगा। ये अब तो ये भी नहीं जाएगा मेरे से अच्छा एक केला खा ले पहले मैं इसके किला खाता हूँ पहले
फिर निकलेंगे जिम की ओर। जिम के लिए रेडी हो चुके हैं और मेरा तो ड्रेसअप ही है जिम जाने के लिए, मैं मतलब यही जिम में ही पहनता हूँ बस। और जूतों का ड्रेसअप मैंने फिलहाल के लिए, फिलहाल ये कन्फर्म नहीं है इसका, ये दिया हूँ फिलहाल के लिए मैंने, तो जिम में यही ड्रेसअप यूज़ करेगा ये, जब तक कुछ प्लान नहीं कर पा रहे हम कि इसके लिए जिम का सेटअप क्या करें, तो फिलहाल ये पहन जाएगा। इसका जिम में जाने करने का एक्चुअली रीज़न भी एक है, गेट खुला था जो पहले से, तूने अभी खोला गेट का? ओके, इसका जिम जाने का रीज़न एक है क्योंकि इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है, पेट वेट थोड़ा निकला है, उसको नॉर्मल कर देंगे तो ठीक होगा। तो फिलहाल निकलते हैं और देखिए उसका पहला दिन जिम का कैसा होता है। रुक जिम, तू चाबी लेके जा जिम उसका, स्कूटी का ले लिया? हाँ ये मैंने ले लिया पहले। सब कुछ मैं लगा चिंटू का जिम का पहला दिन एक तरह से ठीक ही रहा, इसको मैं जो भी वो इसके लिए सब कुछ नया है ना, क्योंकि पहली बार जिम गया ये, इसी वाले कभी जिम में इंटरेस्ट था नहीं ना कभी गया, ये खुद से बोला कि मैं जिम करूंगा करके, तो इसका मैंने इसको मैं हफ्ते दो हफ्ते से ऐसे लेके जा रहा था ताकि देख के मेरे को खुद से बोल पाए कि हाँ मेरे को भी करना है, मेरे को देख के मजा आ रहा, वो हुआ एक्चुअली, इसको देख देख के अच्छा लगा, सडनली मेरे को बोला मेरे को भी करना है, इसको मैं ज्वाइन करवा दिया आज से। तो उसको मैं जो भी बोल रहा था एकदम से कैप्चर अच्छा कर रहा था ये, मैं कुछ भी बोल रहा है कैप्चर अच्छा कर रहा है ये, एक बस ये अच्छी बात है, कुछ भी बोल रहा तो कैप्चर कर रहा और अच्छे से अप्लाई भी कर रहा है उस चीजों को। तो आज का पहला दिन इसका ओवरऑल ठीक ही रहा सब कुछ मिला के, अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट ऑब्वियसली करेगा। तो फिलहाल कुछ बनाते खाने के लिए और फिर इसको अभी कितना आधा घंटा कार्डियो करेंगे रूम पे ही, क्योंकि कार्डियो जिम में कराने कोई लॉजिक बनता नहीं, ट्रेडमिल तो है नहीं और नॉर्मल कार्डियो रूम में भी बंदा कर सकता है, तो जिम में ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेगा अपना और रूम में कार्डियो करेगा। फिलहाल कुछ बनाते हैं खाने के लिए, मील ले लिया और चिंटू का मील ये पिएगा, तू करते रहे जब इन्हें कार्डियो कंप्लीट कर लेगा, तो उसको आधा घंटे कार्डियो दे रखा करने के लिए, आधे घंटे कार्डियो करेगा इसका 11 मिनट ऑलरेडी हो गया, जब तक मैं फ्रेश होकर आ जाऊंगा, जब इसका आधा घंटा कंप्लीट हो जाएगा फिर एक छोटा सा कोई मील खिला दूंगा मैं अच्छा वाला। कार्डियो कौन सा करा रहा है? नॉर्मल वॉकिंग, नॉर्मल वॉकिंग कर रहा है, आधा घंटा कार्डियो कर दूंगा इसका, 150 कैलोरी ऑलमोस्ट 150 के आसपास कैलोरी बर्न हो जाएगा इसका, तो इतना इनफ है एक दिन पहला दिन के लिए। फिलहाल मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक ये कार्डियो अपना कर रहा है, इससे पहले मैं आ जाऊंगा एक्चुअली फ्रेश होकर, कार्डियो करता रहेगा मैं उससे पहले आ जाऊंगा फ्रेश होकर। इसको पिछले आधे घंटे से ज्यादा हो गया कार्डियो करते करते और मैं फ्रेश होकर भी निकल गया, थोड़ा कपड़ा था वो भी निकाल दिया पानी से, और मेरे को चेक करने से कितना कैलोरी बर्न हुआ एक्चुअली, अभी चेक करेंगे, थोड़ा काम कर रही है, देखा तुमने कितना कैलोरी बर्न हुआ, घर ही दिखा मेरे को, नीचे कर इसको, देखते कितना कैलोरी बर्न हुआ इसका, इसको नीचे कर, इसका 250 कैलोरी बर्न हुआ एक्चुअली अभी तक में, जब किसने ज्यादा कार्डियो करा भी नहीं है, थोड़ा बहुत कार्डियो करा, थोड़ा बहुत कार्डियो में 250 कैलोरी बर्न हो गया, जिम में इसका ऑलमोस्ट 150 के आसपास कैलोरी बर्न हो गया होगा इसका, आज का बस दो तीन घंटे में 500 कैलोरी बर्न होगा और 500 कैलोरी इनफ है वेट लॉस के लिए एक्चुअली। अभी एक शेक ले रहे हैं छोटा सा ये, उसके बाद हम बाहर जाने वाले एक्चुअली, डी मार्ट जाएंगे कुछ सामान वामान लाना है, मतलब किचन उचन का, तो वो तो जाएंगे बाद में, फिलहाल इसका ये शेक पी रहे, कपड़ा वपड़ा फोल्ड करके रखेंगे उधर बैग में। कैसा है शेक? इसको मैं अपने तरफ बना रहा हूँ धीरे धीरे करके, इसको थोड़ा हेल्दी में ला रहा हूँ मैं, ये अगर दिल्ली में होता ना अब तक कितना मोमोज पेल चुका होता, सही बात है ना, अब तक दिल्ली होता ना कितना मोमो पेल चुका होता, ये तो कोई नहीं सब सही हो जाएगा। पहले भी बाहर जा रहे हम डीमार्ट सामान वाल लाने के लिए घर के लिए, और चिट्टू का ड्रेसअप दिखाऊंगा आज का, इसने आज तक ऐसा कपड़ा पहना नहीं जैसे मैं इसको आज पहन गया हूँ, ये आज तक इस टाइप से ड्रेसअप कभी नहीं करा आज तक इसने। चावल लिया चुनू तुमने? हाँ लेकर निकल चल, ओ थैला लेना पड़ेगा, तू निकल मैं थैला वाला लेकर आता हूँ, क्योंकि डिमांड में सामान होगा ना फिर वहां पर थैला का अलग से पैसा लगता है, चुनू वो लड़ा बंद कर दे। हाँ और थैला अगर खुद से कैरी कर लेंगे तो ऑब्वियसली भाई पैसा 25 रुपए या 15 रुपए सेव हो जाता है एक थैले पे, एक थैला लेते हो निकलते डिमांड के लिए। अभी डिमांड से आए हम और सामान दिखाऊ मैं, ये थैला पूरा भरा है और इसमें इतना वजन है नहीं सिर्फ थैला में, थैला में तो मैं वेट लाता हूँ जो मुझे फील होता है कितना वेट का क्या होता है, ये कम से कम 10-15 kg के अंदर का सामान है, लाइक 10-15 के बीच का सामान, इतना भारी हो जाता है इसका, तो हम सामान लेकर आगे इसको एडजस्ट करेंगे भी और रात का डिनर इसके बाद बनेंगे, टाइम ऑलमोस्ट 9:30 बज के ओवर हो गया। जब डिमांड से निकले ना तो फनी पार्ट पता क्या हुआ, मैं स्कूटी पार्किंग से निकाला आपने, मैं टर्न ओवर देख रहा हूँ सामने मोमो वाला जा वहां वही बैठा हुआ था, ये वो मोमो को पकड़ में जाकर बैठ गया ये बिना मेरे को कुछ बोले, मैं खोज रहा हूँ कहाँ गया ये लोग, देख रहा हूँ मोमो पकड़ मेरे को मोमो खा रहा है ये लोग, मैं मना भी नहीं कर पाया, मोमो मोमो खा के फिर हमारे यहाँ फिर पहले इसको एडजस्ट करते फिर डिनर के लिए मतलब कुछ बनाएंगे कुछ सोचेंगे हम पहले, चलो इसको एडजस्ट कर अच्छे से, ऊपर से ड्राई फ्रूट कर दे बहुत सारा डब्बा है उसको निकाल, ये क्या है? ये अगरबत्ती है, ये सब डब्बा होता है ड्राई फ्रूट का, उसमें ड्राई फ्रूट भरेंगे हम करते पहले अच्छे से फिर जाके कुछ सोचेंगे खाने पीने के लिए। अभी जा रहे हम ये छोटा सा बल्ब है एकदम छोटा सा पिद्दू सा बल्ब, इसको गैलरी में लगाने के लिए, कितना छोटा 0 वाट का बल्ब है इसको गैलरी में लगाना है,
गैलरी से अंधेरा अंधेरा होता है, अगर रात को कुछ रात को गैलरी में कुछ काम हो गया लाइक कपड़ा वपड़ा डालने कुछ भी गैलरी में काम, तो थोड़ा अंधेरा होता है, फिर रूम का लाइट जलाना पड़ता है हमारे को, उसके ब्राइटनेस से फिर हम गैलरी में काम कर पाते हैं। एक्चुअली हमारा ना इधर हर एक एरिया में एक बल्ब लगाने का ऑप्शन है, उतना बल्ब लगाया कहीं दीपावली थोड़ी में, तो फिलहाल इसकी नीड थी एक्चुअली उसको लगाएंगे गैलरी में। चलो आजा थोड़ा हेल्प कर मेरे को और लगाते फिर दिखाता हूँ गैलरी। फिलहाल गैलरी तो ये रहा, कपड़ा वपड़ा सूख रहा, उधर मेरे कच्चे वच्चे पैंट चो ऊपर में जगह ये है। अच्छा हेल्प कर मेरे को, मेरे को पता क्या करना पड़ेगा, मेरे को चढ़ना पड़ेगा एक्चुअली, इधर चढ़ के चुनू गेम को फिर वो दिखेगा जब जगह वहां लटका पाऊंगा, ये रहा उसका प्लेस, इधर मेरे को चढ़ना पड़ेगा एक्चुअली, ऐसे कर नहीं सकता हूँ मैं, दिखाता हूँ कैसे करना है। उठा पाएगा मेरे को चिंटू ध्यान से, क्योंकि मैं भी ऑलमोस्ट इसके जितना ही भी आ रखा हूँ उस पे वजन पे, दोनों पर नहीं कोई बात नहीं ना, उठा हाँ उठा ये लो, फिर भी नहीं पहुंच, स्विच यहाँ पे तो तेरे अलावा कौन कर सकता है, स्विच रूम में ऑन ऑफ कर रहा बोला मैं नहीं कर रहा, ऑटोमेटिक हो रहा है, थोड़ा सा व्यू गैलरी का तो अच्छा लगेगा, लाइक मैं दिखा कितना रोशन हो गया, इतना फ्लैश जला रखा हूँ अभी, इतना ही ना लाइक फील तो हो रहा है कि हाँ है। चलो कोई नहीं, और ये सोच रहे हम डिनर में कुछ खास करते नहीं क्योंकि मोमो खा कर रखे ऑलरेडी भी 10 बज के ओवर हो चुका है, तो हम कुछ ब्रेड ऑमलेट टाइप से कुछ बना लेते हैं ताकि हल्का फुल्का वो भी हो जाए, और कुछ ऐसे हल्का फुल्का कुछ खाएंगे, ब्रेड ऑमलेट समथिंग ऐसा कुछ खाएंगे। आज इंटू कुछ बनाते हैं अच्छे से खाने के लिए, हाँ डिनर भी रेडी हो गया मेरा, इधर मेरा एक्चुअली रेडी है क्या बोलते हैं ब्रेड ऑमलेट, चिंटू का बंडर, और ये मेरा जो हमेशा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट में बोलता हूँ रात को बना कर रख दिया बना कर रख दिया, इसलिए यही होता है वो, इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा कभी बाद में, तो फिलहाल अभी खाते हैं और वीडियो यही एंड करते हैं, विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, तो दिल टाटा बाय बाय, टेक केयर, कैच यू।